एक्समैन डार्क फिनिक्स रिटन एंड डायरेक्टेड बाय साइमन किम्बर्ग। पहले कहा गया था कि ये फिल्म 2 नवंबर 2018 को रिलीज़ होगी, उसके बाद में फिल्म को पोस्टपोन किया गया, कहा गया कि फरवरी 2019 में फिल्म रिलीज़ होगी, उसके बाद में फिल्म को फिर से पोस्टपोन किया गया, फिर कहा गया कि 7 जून 2019 को ये फिल्म रिलीज़ होगी और आखिरकार 5 जून को भारत में 2 दिन पहले फिल्म रिलीज़ हो गई। नहीं तो मुझे लगने लग गया था कि अब दिन म्यूटेंट्स की तरह ये फिल्म भी बस पोस्टपोन होती रहेगी। जब से डिज्नी ने फॉक्स को खरीदा है, उनकी इस डील का सबसे ज़्यादा अगर असर किसी पर हुआ है तो वो है एक्समैन फिल्म सीरीज़। और ये जो 2 आखिरी फिल्म से इस फिल्म सीरीज़ की फिल्म फ्रेंचाइजी की, उनको कई बार इस डील के बाद में पोस्टपोन किया गया। वैसे पहले ये आखिरी फिल्म्स नहीं थी इस फिल्म सीरीज़ की, ये जो डार्क फिनिक्स फिल्म है ये पूरी एक ट्रायोलॉजी होने वाली थी या उससे भी आगे इस सीरीज़ को वो बढ़ाने वाले थे। और इन फिल्म्स में जो मूल एक्समैन कैरेक्टर्स है उनके यंगर वर्जन्स की कहानी स्टोरी हमें दिखाई जाने वाली थी, लेकिन डिज्नी और फॉक्स की डील के बाद में इन सारी फिल्म्स को कैंसिल कर दिया गया। और ये जो एक्समैन डार्क फिनिक्स ये फिल्म है, ये फॉक्स के मार्वल यूनिवर्स की जो मूल एक्समैन सीरीज़ है उसकी ये आखिरी फिल्म है। और जो द न्यू म्यूटेंट्स ये जो स्पिन ऑफ फिल्म है एक्समैन फिल्म सीरीज़ की, वो अगले साल यानी 2020 में रिलीज़ होगी। एक लाइन में अगर मैं इस फिल्म का रिव्यू आपको बताऊं, तो फॉक्स की एक्समैन सीरीज़ का बहुत ही निराशाजनक अंत हम इसे कह सकते हैं। वैसे मैं कोई बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर फिल्म देखने के लिए नहीं गया था, मुझे इसका ट्रेलर भी कुछ खास उतना पसंद नहीं आया था और कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था ये फिल्म देखने में मुझे। और जब हम कम इन एक्सपेक्टेशंस के साथ में फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर हमें फिल्म अच्छी लगती है। जब हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किसी फिल्म से तो थोड़ी सी भी अगर फिल्म ख़राब हो तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन इतने कम एक्सपेक्टेशंस रखने के बावजूद भी इस फिल्म ने मुझे सच में डिसअपॉइंट किया, निराश किया। यानी फिल्म देखते समय कोई एक्साइटमेंट या फिल्म के साथ में जुड़ाव या अब आगे क्या होगा फिल्म ये जानने की उत्सुकता, ये सारी बातें हमारे मन में आती ही नहीं है। बस फिल्म चल रही है और हम देख रहे हैं और एक ही बात हमारे मन में आती है फिल्म देखते समय कि भाई लोगन और डेडपुल 2 जैसी फिल्म्स के बाद में आखिर उन्होंने ये फिल्म बनाई ही क्यों। अगर लोगन और डेडपुल 2 के साथ ही अगर इस सीरीज़ को ख़त्म कर दिया जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। वैसे डिज्नी और फॉक्स की डील के बाद में शायद उनको काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़े उनके प्लान्स में, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि फिल्म उतना हमें कोई इम्प्रेस नहीं कर पाती। डार्क फिनिक्स हमें कुछ भी नया ऑफर नहीं करती है। इसके पहले हम कई सारी एक्समैन फिल्म्स में जो बातें देख चुके हैं वही सब कुछ हमें इस फिल्म में भी दिखाया गया है। जैसे कि एक्समैन ये कोई केवल सुपर हीरो फिल्म फ्रेंचाइजी नहीं है, ये समाज से बहिष्कृत एक समूह की कहानी है जो अपने अधिकारों के लिए, जो समाज में अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ में ही अपने अंदर के वैचारिक द्वंद्वों से, विचारों की लड़ाई से, अपनी भावनाओं से भी वो अपने अंदर ही लड़ रहे हैं, अपने इमोशंस से वो लड़ रहे हैं। इसके अलावा हम दूसरों से अलग हैं इस बात को एक्सेप्ट करते हुए हमें जीना सीखना चाहिए, ये बात, ये मैसेज भी ये फिल्म देती है। यानी एक्समैन इस फिल्म सीरीज़ के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे समाज के ऐसे लोगों के प्रतीक हैं जो जिन्हें समाज ने बहिष्कृत कर दिया है या जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। यानी जो भी बातें हम एक्समैन फिल्म सीरीज़ में इसके पहले देखते आए हैं वही सब कुछ हमें डार्क फिनिक्स में भी दिखाया गया है, वही मूल थीम है इस फिल्म की भी। और हर एक्समैन फिल्म में समाज से बहिष्कृत ये जो समूह है उसे एक फैमिली की तरह दिखाया जाता है। और डार्क फिनिक्स में जीन ग्रे की वजह से इस फैमिली में कैसे दरार पड़ती है यही इस फिल्म की कहानी है। वैसे इसमें भी कोई नयापन नहीं है। राइटर डायरेक्टर साइमन किम्बर की वैसे आइडिया बहुत अच्छी थी कि जीन ग्रे जो अपने पास से, अपने पावर से, अपनी भावनाओं से वो लड़ रही है, उन पर वो कंट्रोल नहीं कर पाती। और जो प्रोफेसर चार्ल्स का कैरेक्टर है वो भी कोई हर समय सही नहीं होता, उनके भी कुछ डिसीजंस गलत होते हैं, प्रसिद्धि की वो भूखे हैं, इस वजह से अपने समूह की यानी म्यूटेंट्स की वो जान धोखे में डाल देते हैं, इस वजह से उनकी टीम के कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। यानी डायरेक्टर दिखाना बहुत कुछ चाहते थे पर वो इस कहानी को न्याय नहीं दे पाए हैं। फिल्म में कुछ सब प्लॉट्स नहीं है, कैरेक्टर्स में अलग अलग लेयर्स नहीं है, एक ही सिंगल बात को बार 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 फिल्म में रिपीट किया गया है, इस वजह से कहानी के साथ में हम जुड़ नहीं पाते। और इस फिल्म का जो सबसे मेन कैरेक्टर यानी जीन ग्रे का, डार्क फिनिक्स का, वही सबसे ज़्यादा डल कैरेक्टर है। वो अपने गुस्से पर, इमोशंस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती, इसके पीछे भी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर रीज़न उन्होंने फिल्म में नहीं दिखाया है। और जब उसे गुस्सा आता है तब उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, उसके इमोशंस क्या है, उस बात को भी क्लियर नहीं किया गया। कुछ इमेजेस के जरिए या फ्लैशबैक कुछ सीन्स के जरिए उन बातों को क्लियर करना चाहिए था कि जब उसे गुस्सा आता है तब उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन ये कुछ भी फिल्म में दिखाया नहीं गया। और जो सोफी टर्नर जो एक्ट्रेस है उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं थे, उसका परफॉर्मेंस भी कुछ खास हमें पसंद नहीं आता फिल्म में। फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस भी केवल 2 ही बार है, एक जगह पर जब सब म्यूटेंट्स जीन ग्रे के पीछे जाते हैं वहाँ पर, और उसके बाद में फिल्म के एंडिंग में ट्रेन के अंदर। और वो ट्रेन के अंदर की जो एक्शन सीक्वेंस है वो मुझे पसंद आई, लेकिन उसे भी हम कोई बहुत ग्रेट नहीं कह सकते या कुछ बहुत नया उन्होंने किया है ऐसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी
वहाँ पर जो कैमरा वर्क है, जो एक्शन सीक्वेंस है, वो मुझे पसंद आई। इसके बाद में फिल्म की जो सबसे बड़ी कमी है वो है जो विलन का कैरेक्टर है, एलियन का कैरेक्टर था फिल्म में, उस पर फिल्म में फोकस ही नहीं किया गया, पूरी तरीके से वेस्ट, बर्बाद कर दिया उन्होंने उस कैरेक्टर को। तो कुल मिलाकर डार्क फिनिक्स हमें निराश करती है। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर देख सकते हैं। मैं एक्समैन डार्क फिनिक्स को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। जय श्री राम, वंदे मातरम।